बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा चैप्टर 11 के बाद आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज चैप्टर नंबर 12, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम उसका इंट्रो देंगे थोड़ा सा, ताकि इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बातें समझ में आ जाए। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो शुरू में समझाने के लिए, थोड़ा सा माइंड बनाने के लिए मैं इसको समझाता हूँ कि इलेक्ट फिलहाल जो हमारे पास वर्ड है वो इसका मतलब होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चार्जेस हैं, तो बेसिकली ये आपके पास चार्जेस के लिए यूज हो रहा है। इसके लिए यूज हो रहा है चार्जेस के लिए, तो ये जो है ये आपके पास इलेक्ट का मतलब चार्ज है, और सिटी, सिटी इज शहर, तो इलेक्ट सिटी मतलब चार्जेस का शहर जहाँ पे चार्ज या इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जस्ट बेसिकली इस आपकी बेस समझने के लिए मैंने इस बात को बताया, लेकिन पढ़ लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू ऑपरेट योर सेल फोन, पावर ट्रेन एंड शिप्स, रन योर रेफ्रिजरेटर, पावर मोटर एंड मशीन लाइक फूड प्रोसेसर। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी एक आपके पास सब्सटेंस है, एक क्वांटिटी है, सही है, जो आपके कुछ मैकेनिकल या फिर कुछ आपके पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को चलाने में मदद देती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मस्ट बी चेंज टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट और मैकेनिकल इन ऑर्डर टू बी यूजफुल। यानी कि मैं जो मैकेनिकल की बात करी वो इनडायरेक्ट फॉर्म में, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आप मैकेनिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है, जैसे कि स्विच ऑन करने पर फैन ऑन हो जाता है। फैन एक मैकेनिकल, आपके पास हवा जो भेज रहा है वो मैकेनिकल फॉर्म करके भेज रहा है, तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिकली कन्वर्ट हो गई। लाइट बल्ब कौन होती है, तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी लाइट में कन्वर्ट हो गई। तो इलेक्ट्रिसिटी की कई सारी फॉर्म्स हैं और ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बट इलेक्ट्रिसिटी आई कैसे, इसका वर्ड कैसे आया? तो इट इज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक करेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करेंट? तो इलेक्ट्रिक करेंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंप्लीट सर्किट ऑफ कंडक्टर। एक सर्किट कंप्लीट है और उसको कहीं से टूटा हुआ नहीं है, तो अगर मैं उसको पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा, बैटरी लगा दूंगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, इस वजह से मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक करंट, सही है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपके पास? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज यूज्ड टू पावर एवरीथिंग फ्रॉम आवर लाइट टू आवर ब्रेन। इलेक्ट्रिक करंट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ वायर। वायर का मतलब कोई भी कंडक्टर हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स एंड रेफर्स टू द नंबर ऑफ चार्ज दैट मूव थ्रू द वायर पर सेकेंड। करंट इज बेसिकली इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, इसकी डेफिनेशन है। तो आप इसको डिनोट कैसे करोगे? I इक्वल टू यू अपॉन टी। तो कुछ इस तरह से हो रहा होता है कि अगर आपके पास टाइम के मुताबिक आप इसको काउंट करेंगे कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड के अंदर एक चार्ज फ्लो कर रहा है, तो मैंने कहा ओके, तो आपके पास जो करंट है वो 1 एम्पियर है। ओके, तो एक चार्ज, चलो एक चार्ज आपके पास एक सेकंड के अंदर फ्लो कर रहा है, तो मैंने कह दिया कि करंट जो है 1 एम्पियर है, 1/1। लेकिन नेक्स्ट वाले में आपके पास 1 सेकंड के अंदर 4 चार्ज मूव कर रहे हैं, इसका मतलब जो करंट है वो 4 एम्पियर। ऑटोमेटिकली टाइम की वजह से आपके पास करंट बढ़ गया, सही। तो ये सिंपल सी बात यहाँ पे शो हो रही है। टाइप्स ऑफ करंट, करंट कितने टाइप्स के हो सकते हैं? पहला करंट है इलेक्ट्रॉन करंट, ये इनके डायरेक्शन के थ्रू है, ठीक है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास 2 टाइप ऑफ करंट होते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं, जो करंट जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन करंट है और उसकी डायरेक्शन हमेशा यही रहती है। ओके, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है, जैसे ही मैंने ये लोड का मतलब कोई बल्ब लगाया हुआ है, बैटरी के साथ बल्ब कनेक्ट किया, कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ आपके पास एक करंट जारी हो जाएगा, जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन करंट कहते हैं। एक और करंट जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, जो कि नॉर्मल यूज होने वाला करंट है, इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें चार्ज मूव करता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, सही है।
तरह से लोड कनेक्ट कर, मैंने लोड कनेक्ट करा और ये आपके पास करंट फ्लो करना शुरू कर गया। यहाँ पे ये नहीं कि प्रोटॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो प्रोटॉन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नहीं, ये कन्वेंशनल करंट बेसिकली थ्योरेटिकली प्रूवन है या थ्योरेटिकली सॉल्यूशन के लिए बनाया गया। तो इसको सिर्फ कुछ डेरिवेशंस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था और अब हम कम्प्लीटली इसी को यूज करते हैं, बट हायर लेवल पे आप इलेक्ट्रॉन करंट को ज्यादा पढ़ेंगे, सही है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाएंगे, जो इंजीनियर करंट करने वाले बच्चे हैं उनको ज्यादा इलेक्ट्रॉन करंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो कन्वेंशनल हम नॉर्मली अब यूज करते हैं स्टैंड ड्राइव फॉर्म में, लेकिन एक्चुअल जो डायरेक्शन होती है करंट की वो इलेक्ट्रॉन ही होती है, इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, साथ साथ में ये भी समझा दूं, तो ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ये बेसिकली सर्किट है, ये वो पाथ है जिसमें आपके पास चार्जेस फ्लो करते हैं, अ पाथ थ्रू विच चार्ज कैन मूव, और ये पाथ कंप्लीट होना चाहिए, कहीं पे टूटा हुआ ना होना चाहिए, अगर नहीं है कहीं पे टूटा हुआ तो ये बहुत बेहतरीन सर्किट है, कहीं से ब्रेक हो गया इसका मतलब इस सर्किट को आपको दोबारा बनाने की जरूरत है या फिर वो सर्किट नहीं है, अगर कोई सर्किट टूटा हुआ है तो मैं उसको सर्किट नहीं कहूंगा, वो पाथ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर रहे, तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। अ क्लोज सर्किट मेक्स इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो पॉसिबल, इट मे ऑल्सो बी एन ओपन सर्किट वेयर द इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कट शॉर्ट बट द पाथ इज ब्रोकन, सही है, तो बात वही कह रहे हैं कि अगर आपके पास सर्किट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से फ्लो हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं क्लोज सर्किट, ये दोनों जो सर्किट बने हुए हैं ये क्लोज सर्किट है, लेकिन अगर कहीं से ब्रेक हुआ हुआ है तो वो सर्किट ओपन सर्किट कहलाता है, उसको हम कहते हैं भाई यहाँ से आपके पास सर्किट ब्रेक है, तो ये ओपन सर्किट कहलाता है, इसको हम अपने फायदे के लिए भी यूज करते हैं, स्विचेज लगा के जब दिल चाहे हम स्विच ऑन कर लें, सब ऑफ कर लें, तो हम अपने आसानी के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं स्टेडी करंट की, कि स्टेडी करंट क्या होता है, स्टेडी करंट का मतलब है कांस्टेंट करंट, ओके, ये टाइम इंडिपेंडेंट करंट होता है जो स्टेशनरी मूव कर रहा होता है, ओके, और इसमें मोस्टली हमारे पास डायरेक्ट करंट ही आता है जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, अपनी इंटेंसिटी चेंज नहीं करता, ओके, इंटेंसिटी का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, हमने तो इसको इंटेंसिटी कहाँ पे यूज किया था, अपने चार्ज हमने फील्ड इंटेंसिटी के अंदर यूज करा था, सही है, जहाँ पे मैंने कहा था कि इंटेंसिटी होती है जहाँ पे आपके पास किसी कोई वैल्यू बहुत ज्यादा फील हो, फोर्स फील हो ज्यादा, तो इंटेंसिटी वहाँ पे ज्यादा है, तो बेसिकली करंट इनिशियली इसको इंटेंसिटी ही कहा जाता था, जहाँ पे चार्ज की तादाद बढ़ जाती थी तो वो आपके पास कहते थे कि भाई यहाँ चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ गई है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे झटका लगा। तो जो आपको अभी हम जिसको करंट इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं वो पहले सिर्फ इंटेंसिटी था, इसी वजह से आपने गौर किया होगा कि इसका सिंबल भी आई है, सही, तो इट वॉज कॉल्ड चार्ज इंटेंसिटी, बट नाउ हमें पता है इट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो हम इसको और कुछ नहीं बोलते, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट ही बोलते हैं, सही, या फिर आप इसको कह सकते हैं इट इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, इसको हम स्टैटिक करंट कहते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट आपके पास डीसी जो है इसमें बेसिकली जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, या आप कन्वेंशनल करंट की बात करें वो यूनिडायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ओके, क्या चेंज नहीं होती, कैसे चेंज नहीं होती, कि भाई जब मैं स्विच ऑन करता हूँ तो चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, नॉट एवर बैक फ्रॉम अदर टू हियर, सही है भाई, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही मूव करते रहेंगे जब तक स्विच ऑन है, तभी पॉजिटिव से नेगेटिव वापस नहीं आएंगे, और सर्किट पे एक ही डायरेक्शन पे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव करते रहेंगे। तो डायरेक्ट करंट के फवायद ये हैं कि इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती, इसी वजह से हम मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर इसको यूज करते हैं, और ये आपके पास बड़ी आसानी से अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज, इन द फॉर्म ऑफ एडेप्टर्स, ओके, तो हर बैटरी के अंदर जो करंट पाया जाता है वो डीसी करंट पाया जाता है, डायरेक्ट करंट पाया जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिवर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, सही है,
क्या होता है इसमें, आपके पास हर वक्त हर एक सर्किल के बाद या हर एक राउंड ट्रिप के बाद चार्जेस अपनी अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, यानी स्विचिंग होना शुरू हो जाती है। ये स्विचिंग होना क्या होता है? स्विचिंग होना होता है कि असल में जो ऑल्टरनेटिंग करंट है जो आपके घरों में आ रहा है, स्विच बोर्ड के अंदर आ रहा है, मीटर के अंदर जो आ रहा है करंट, वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। सही है, जहां से ये करंट बन रहा है आपको पता है ये टर्बाइन से बन रहा है, चाहे वो वाटर टर्बाइन हो, एयर टर्बाइन हो, सही है, आपके पास किसी भी तरह की टर्बाइन हो, टर्बाइन में फैन लगा होता है और फैन के घूमने पे आपके पास मैकेनिज्म ऐसा होता है कि इसके रोटेशन की वजह से करंट चार्ज बनना शुरू होता है। उसके अंदर एक सर्किट होता है जिसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, ओके, उन दो टर्मिनल्स की वजह से ये चार्ज आपके पास जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज होती है, यानी टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव लगा होता है। सही, फॉर एग्जाम्पल मैं जरा सी एग्जाम्पल दे दूँ कि टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव लगा हुआ होता है, लेकिन एक रोटेशन के बाद पॉजिटिव नेगेटिव की जगह आ जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव की जगह आ जाता है, जिसकी वजह से स्विचिंग हो जाती है। और ये दोबारा भी होगा, वजह क्या है, टर्मिनल घूम रहा है आपके पास, आपके टर्मिनल घूम रहा है क्योंकि आपके पास टर्बाइन घूम रही है, तो ये क्या होगा, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव की जगह ले लेगा, और ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक टर्बाइन चलती रहेगी, टर्बाइन तो चली रही है वरना बिजली कैसे मिलेगी। तो इसके उधर जाने की वजह से और उसके इधर आने की वजह से बार बार यही कंडीशन हो रही है, तो ये आपके पास फॉर्म बन जाती है ऑल्टरनेटिंग करंट। ग्राफिकल फॉर्म में हम ऑल्टरनेटिंग करंट को इसी तरह से डिनोट करते हैं जैसे मैंने ये लहरें बनाई, आ रही बात समझ में? तो ऑल्टरनेटिंग करंट हार्मफुल है आपके डिवाइसेस के लिए, वजह क्या है, इसमें स्विचिंग बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती है, इसकी वजह से अप्लायंस स्टेडी हालत में नहीं रह पाता, या तो उसकी वायरिंग जल जाती है या वो खराब हो जाता है किसी भी तरह से। तो मैं नीचे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करंट का पता चल जाएगा। तो डायरेक्ट करंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई रुकावट नहीं आ रही, आसानी से एक ही डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट एक दफा एंटी क्लॉकवाइज और एक दफा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। देखिए अभी क्लॉकवाइज है, अब एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज है, अब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कंडीशन टर्बाइन की वजह से हो रही है। सही है, तो इसी वजह से हम इसको हर जगह यूज नहीं कर पाते।